दुश्मनी जम कर करूँ, मगर ये गुंजाइश रहे कि जब दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब आप सही समझ गए होंगे कि हम फिर से पवन और अक्षरा की लड़ाई की टॉपिक ही लेकर आपके सामने हैं। अरे भाई क्या करें, इस वक्त ऐसे नित नए खुलासे हो रहे हैं कि हम रोक ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को आपके लिए कोई खबर बनाने से। अब भाई खबर बनाए या ना बनाए, लेकिन इन दिनों पवन और अक्षरा की जो लड़ाइयां हैं वो खबर बना ही रही है। अब तक अक्षरा सिंह के खेमे से लोग पवन सिंह पर लगातार तोहमतें लगा रहे थे। अब भाई पवन सिंह का भी खेमा जाग गया है, वो भी अक्षरा सिंह पे तोहमतें लगाने लगा है। जैसी जैसी तोहमतें शायद अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर लगाई थी, अब धीरे धीरे कुछ उसी तरह की तोहमतें अक्षरा सिंह पर भी लग रही हैं। इसमें तोहमतें लगाने वालों में से हैं वांटेड की प्रोड्यूसर और एक्टर संजय वर्मा। जी हाँ, वांटेड फिल्म की प्रोड्यूसर ने भी अक्षरा सिंह पे तोहमतें लगाई और फिर उसके बाद एक्टर संजय वर्मा ने भी। संजय वर्मा ने तो यहाँ तक तोहमत लगाई अक्षरा सिंह पर कि अक्षरा सिंह की वजह से उन्हें 2 साल तक पवन सिंह के साथ फिल्मों में नाकाम करने का मौका मिला। ये सब अपनी आप बीती बताते बताते संजय वर्मा रोने लगे। संजय वर्मा ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि अक्षरा सिंह के कारण ही मैं 2 साल तक अपने घर का रेंट तक न भर पाया। अक्षरा सिंह के कारण ही मैं पवन सिंह की फिल्मों में 2 साल तक काम नहीं कर पाया। साथ ही अब वांटेड फिल्म के प्रोड्यूसर भी सामने आए हैं। वांटेड फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा है कि उनका एक्सपीरियंस अक्षरा सिंह के साथ बड़ा ही बुरा रहा है। उन्होंने बताया कि अक्षरा सिंह ने एक बार खूब शराब पी ली। शराब पीने के बाद वो पवन सिंह को भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। ये सारा वाकया वहां का है जब फिल्म वांटेड की शूटिंग चल रही थी और अक्षरा सिंह को ये गुस्सा था कि उन्हें वांटेड फिल्म में लिया क्यों नहीं गया है। वैसे आपको बता दें कि वांटेड फिल्म में पवन सिंह के साथ मनी भट्टाचार्य एज अ लीड हीरोइन थी। एक दिन अक्षरा सिंह पीकर वहां पहुंच गई जहां वांटेड फिल्म की कास्ट रुकी हुई थी। उस होटल में जाकर अक्षरा सिंह ने जमकर पवन सिंह के खिलाफ गाली गलौज की। फिर जैसे ही यह बात फिल्म के प्रोड्यूसरों को पता चली, वह फिल्म का सेट छोड़कर होटल की तरफ आए। उन्होंने कहा अक्षरा सिंह ने इतनी ज्यादा पी हुई थी कि वो पवन सिंह को गाली दे रही थी और ऐसे में प्रोड्यूसर उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने तुरंत अक्षरा सिंह के डैडी को फोन किया जो उस वक्त सेट पर मौजूद थे और वांटेड में मेन विलन का कैरेक्टर निभा रहे थे। अक्षरा सिंह के डैडी विपिन सिंह जैसे ही होटल में आए, उन्होंने मौके को संभाला, अक्षरा सिंह को संभाला। ये सारा वाकया वांटेड फिल्म के प्रोड्यूसर ने मीडिया के सामने रखा और यहाँ एक और खुलासा हुआ। वांटेड फिल्म के प्रोड्यूसर ने ही ये खुलासा किया कि अक्षरा सिंह को कई फिल्मों में पवन सिंह ने ही काम दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज जब वो मूवी बना रहे थे तब उसमें एक स्पेशल नंबर था, वो अक्षरा सिंह को कतई नहीं लेना चाहते थे, लेकिन पवन सिंह के दबाव के चलते ही उन्होंने अक्षरा सिंह को लिया। उन्होंने कहा कि 6 घंटे की शूटिंग अक्षरा ने 20 घंटे में कम्प्लीट की, जिसका खामियाजा भोजपुरी प्रोड्यूसरों को भरना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे ही सही, अब भोजपुरी की हीरोइनें भी ये कहना शुरू कर दी हैं कि ये अक्षरा की जो प्रॉब्लम है उन्हें एक जगह बैठकर, पवन और अक्षरा को एक जगह बैठकर सॉल्व कर लेनी चाहिए। इस तरह से जो बातें रोज नित नई सामने आ रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री को लॉस होगा और पवन और अक्षरा के रिश्ते में लोग इसी तरह से चटकारे लेकर लोगों को सुनाएंगे। खैर चाहे जो भी हो, अब हम बात करते हैं संजय वर्मा की। संजय वर्मा भोजपुरी के एक जाने माने एक्टर हैं और उनका कहना है जब तक पवन अक्षरा रिलेशन में रहे तब तक अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के किसी भी फिल्म में उन्हें काम करने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि पवन से पहले खेसारी लाल यादव के साथ भी अक्षरा के रिलेशन थे
और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी इंडस्ट्री जानती है कि कभी ये दोनों एक साथ रिलेशन में थे। और अब जब अक्षरा और पवन की बात आती है तो संजय वर्मा कहते हैं कि अक्षरा सिंह ने अपने बराबर कभी किसी हीरोइन को खड़े होने नहीं दिया और अक्षरा को बनाने में पवन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह इन दिनों मुंबई में नहीं है, वो मुंबई जैसे ही आएंगे उनके खिलाफ जो FIR है उसके लिए उन्हें पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा और अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा, खुद ऐसे कई सबूत लाने पड़ेंगे जहां वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। वैसे हमने आपको पहले ही अपने कई वीडियो में कहा है कि पवन सिंह के पास भी अक्षरा सिंह की ऐसी कई कहानियां होंगी, भले ही वो जब तक जुबा बंद है तब तक बहुत सही है, जब जुबा खुलेगी तो कई ऐसे किस्से भी बाहर आएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।